दोस्तों आप ऑल इन वन पीसी के बारे में सुने होंगे, दिस वन। और अभी एचपी और डेल ने हाल फिलहाल में एक नया ऑल इन वन पीसी को भी लॉन्च किया, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है कि ये ऑल इन वन पीसी क्या है। और कुछ लोगों को पता है ऑल इन वन पीसी लेना चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन है इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं। तो चलिए आज मैं आपको ऑल इन वन पीसी के बारे में सब कुछ बताता हूँ, ऑल इन वन पीसी क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या आपको ऑल इन वन पीसी लेना चाहिए या नहीं। सो हे गाइस, मैं हूं कौशिक, आप देख रहे हैं कंटेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा देना यार, आपकी सपोर्ट की सख्त जरूरत है। सबसे पहले ऑल इन वन पीसी क्या है, तो एक ऑल इन वन पीसी में आपको कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स, सारे पार्ट्स, जैसे कि मॉनिटर, सीपीयू, फिर सीपीयू के अंदर के पार्ट्स, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, रोम, एसएमपीएस, हार्ड डिस्क, एसएसडी, ग्राफिक्स कार्ड, नेटवर्क कार्ड, कूलिंग फैन और कुछ छोटा यूएसबी पोर्ट्स, फिर अलग से ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, फिर कीबोर्ड और माउस तो अलग से है। ये सारी चीज़ें, ये सारे कंपोनेंट्स एक पैकेज में आते हैं। कितना अच्छा होगा अगर आपको ये सारी चीज़ें एक थैले में मिले, तो आप उस थैले को कहीं पर भी ले जा सकते हैं, आप उस थैले को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक वैसा ही है ऑल इन वन पीसी, आपको एक बॉक्स में सब कुछ मिलता है, आपको कोई दिमाग नहीं लड़ाना है, आपको कहीं पर भी कुछ भी लाना नहीं है, ना ही आपको कहीं पर भी कुछ सेट करना है, आपको सब कुछ एक बॉक्स में मिलेगा। एक ऑल इन वन पीसी को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जिसमें कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स, जो भी ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं, वो सब कुछ आते हैं। और उसके साथ ही स्लिम है, कॉम्पैक्ट है, सेटअप करने में आसान है, यूज करने में आसान है, और सबसे बड़ी बात आपको रखने में आसान है, मैनेज करने में आसान। आप एक ऑल इन वन पीसी को कहीं पर भी यूज कर सकते, ऑफिस हो या घर हो। और उस ऑल इन वन पीसी में आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको एक डेस्कटॉप या आपको एक लैपटॉप में चाहिए। ये है ऑल इन वन पीसी का कमाल। तो अगर आप मेरे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर वाले वीडियो देखे होंगे, पहले मैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर वाले वीडियो सब अपलोड किया था, तो आपको पता होगा कि पहले डिस्प्ले के रूप में एक कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, और इस ट्यूब के कारण ये डिस्प्ले का जो साइज है वो बहुत बड़ा हुआ करता था, और कंप्यूटर में बस तीन ही कंपोनेंट्स, एक मॉनिटर, एक सीपीयू और कुछ इनपुट डिवाइस, और इतने में आपका पूरा कमरा भर जाता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, जैसे जैसे मोनिटर का साइज छोटा होता गया, डिस्प्ले के रूप में एलसीडी मोनिटर का यूज किया जाने लगा, और कंप्यूटर के पार्ट्स भी छोटे हो गए और पावरफुल हो गया, और इसके कारण ही एक पीसी का जो मार्केट था वो आईबीएम कंपेटिबल और एप्पल कंपेटिबल ज्वाइंट हो गया, और जितने भी सारे लैपटॉप और डेस्कटॉप बनाने वाली कंपनियां, वो सब एक ऑल इन वन पीसी डिज़ाइन करने के लिए मोटर के पीछे ही सारी चीज़ों को, सारे कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया। और इससे क्या हुआ कि अब कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को, सारे कंपोनेंट्स को एलसीडी पैनल के पीछे या नीचे में इंटीग्रेट किया जा सकता था। और हाँ, पहले ऑल इन वन पीसी बहुत ही बड़ा हुआ करता था और एक डेस्कटॉप के कंपेयर में थोड़ा महंगा भी था, लेकिन अब ये इतना स्लिम हो गया कि आप सोच नहीं सकते हैं, और अब तो ये बजट के अंदर भी आ रहा है। ऑल इन वन पीसी में सबसे सक्सेस एप्पल का आईमैक, उसमें भी कैथोड रे मॉनिटर का यूज किया गया था, और कंप्यूटर के बोर्ड और ट्यूब के नीचे ही कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स को जोड़ा गया था। और अभी हाल फिलहाल में एप्पल ने एक नया आईमैक भी लॉन्च किया है। लेकिन काफ़ी सारे पॉपुलर ब्रांड्स हैं जिन्हें आप भी जानते हैं और जो ऑल इन वन पीसी बनाती है, जैसे कि एचपी, एसर, लेनोवो, आसूस, डेल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये सारी कंपनियां हैं जो काफ़ी अच्छा और एफोर्डेबल ऑल इन वन पीसी बनाती हैं। लेकिन फिर आप सोच रहे होंगे कि ऑल इन वन पीसी क्यों लूँ डेस्कटॉप और लैपटॉप को छोड़कर, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान है। तो चलिए मैं बताता हूँ इसके क्या फ़ायदे और उसके क्या नुकसान है, फिर आप और भी क्लियर हो जाएंगे कि आपको ऑल इन वन पीसी लेना चाहिए या नहीं। तो ऑल इन वन पीसी का सबसे पहला प्रोस क्या है कि इजी टू ट्रांसपोर्ट। आप ऑल इन वन पीसी को कहीं पर भी सेट कर सकते हैं, चाहे आप घर पे काम कर रहे हो या अपने ऑफिस पे काम कर रहे हो। दूसरा स्पेस क्या है कि ये बहुत ही कम जगह लेता है, आप ऑल इन वन पीसी को कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक बड़ा कंप्यूटर टेबल या एक बड़ा स्पेस या एक बड़ा रूम लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तीसरा प्रोस है टच स्क्रीन एक्सपीरियंस। आपको कुछ ऑल इन वन पीसी में टच स्क्रीन एक्सपीरियंस का सपोर्ट मिलेगा, और उसमें ग्राफिक्स का काम बहुत अच्छी तरह से होता है। अगर आप कैड या कॉल ड्रो एप्लीकेशन में कुछ डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ग्राफिक्स का काम कर रहे हैं, तो आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलने वाला है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का सरफेस स्टूडियो जो आपकी पेन सपोर्ट के साथ आता है, कुछ ऑल इन वन पीसी में आपको पेन सपोर्ट भी मिलता है, महंगा है लेकिन अच्छा है। उसके बाद चौथा है इसका प्रोस है इजी सेटअप। आपको ऑल इन वन पीसी में कुछ भी असेंबल नहीं करना है, कोई भी पार्ट्स नहीं लगाना, सब कुछ आपको एक बॉक्स के अंदर मिलता है। बस आपको पावर ऑन करना है,
10 सेकंड में आपका ऑल इन पीसी बूट हो जाएगा और आप काम करना शुरू कर सकते हैं। ये इतना आसान है। और अगर आप पहली बार लैपटॉप ले रहे हैं या एक डेस्कटॉप असेंबल करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए बेटर होगा कि आप एक ऑल इन वन पीसी लें। आपको इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा, बस बॉक्स से निकालना है, पावर ऑन करना है और आप 10 सेकंड में बूट होने के बाद काम करना शुरू कर सकते हैं। ये इतना आसान है। लेकिन हम इसके कॉन्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्स क्या है कि आप इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं, आप इससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जो आपको मिलेगा उसी के साथ खुश रहना पड़ेगा, उसी को प्यार करना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि आप एक डेस्कटॉप को अपग्रेड कर सकते हैं। लैपटॉप में आप रैम अपग्रेड कर सकते हैं, कुछ लैपटॉप में ऑप्शन होता है, लेकिन आप एक डेस्कटॉप को फुल्ली अपग्रेड कर सकते हैं। जो चाहे जब चाहे रैम SSD या उसके हार्ड डिस्क स्टोरेज को बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑल इन वन पीसी में अपग्रेड करने का कोई ऑप्शन नहीं है और ये सबसे बड़ा कॉन्स है। अगर आप एक ऑल इन वन पीसी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये दिमाग में रखना है कि इसमें अपग्रेड का ऑप्शन कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद तीसरा है एक्सपेंसिव। एक लैपटॉप के कंपेयर में एक ऑल इन वन पीसी एक्सपेंसिव है। अगर आप जिस प्राइस में एक डेस्कटॉप असेंबल कर रहे हैं, अच्छा हाई एंड लेवल वाला, उस प्राइस में आपको ऑल इन वन पीसी का लो एंड लेवल मिलेगा। और ना चाहते हुए भी कुछ बजट ऑल इन वन पीसी है जिसके बारे में आपको आगे बता दूंगा, लेकिन ये एक्सपेंसिव है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो फाइनली एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। तो एक लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन और एक लार्ज डिस्प्ले प्लस ग्रेट एक्सपीरियंस इक्वल टू ऑल इन वन पीसी। तो बस फ्रेंड्स, ये था ऑल इन वन पीसी के बारे में सब कुछ। आने वाले टाइम में आपको ऑल इन वन पीसी थोड़ा सस्ता देखने को मिलेगा और आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है अगर आप एक लैपटॉप या डेस्कटॉप ले रहे हैं। बाकी अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें मेरे चैनल और वीडियो को भी सवाल पूछ सकते हो। आज के लिए इतना, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।